अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। अहम खबरों पर एक नजर। खैर, अब राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा से आवाम बाहर आई हो तो कुछ जमीनी खबरों पर नजर डालने की कोशिश करते हैं। महंगाई और भी बढ़ चुकी है। स्टेटिस्टिक वजरात ने खुदराई कीमत का डेटा जाहिर करते हुए महंगाई में और उछाल पेश किया है। खाने की चीजों में 8% से भी जायद इजाफे की बात बताई जा रही है। दाल, मीठा तेल, गेहूं, चावल, सब्जी के दामों में और भी इजाफा देखने को मिल रहा है। भारत में इस बार तारीखी महंगाई दर्ज की जा रही है, लिहाजा इतना तो जरूर है कि मजहबी जज्बाती मौजुओं पर आवाम का ध्यान भटकाकर गरीब की थाली से अनाज ही गायब किया जा रहा है, इतना जरूर है। कांग्रेस की जानिब से राहुल गांधी को मंदिर में दाखिला न देने पर बेलगाम में एहतजाज किया गया। वाज रहे कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा आसाम से शुरू की गई है। वहां पर मंदिर में राहुल गांधी जब दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे तो पुलिस की जानिब से इन्हें रोका गया। दाखिला न देने पर बेलगाम कांग्रेस की जानिब से एहतजाज किया गया। जब जब मोदी करता है, राहुल गांधी आगे बढ़ो, आसाम सरकार, आसाम सरकार, आसाम सरकार, और आसाम में आते हुए आसाम की सरकार और भाजपा के लोग यात्रा को पूरा डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहे हैं और राहुल गांधी जी को और उसके साथ में जितने भी लीडर्स रहते हैं सबको अटैक करने का भी कोशिश और काम भाजपा के लोग कर रहे हैं। ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेके इतना शांतिपूर्ण तरीके से राहुल जी का ये यात्रा चल रहा है और भाजपा इसको क्यों डिस्टर्ब कर रहे हैं हमें नहीं पता है। सिर्फ एक ही कारण हो सकता है, आसाम की सरकार इतना करप्शन में पूरे डूबे हुए हैं और उस मुद्दे से लोगों की ध्यान डाइवर्ट करने के लिए और राहुल जी का यात्रा का डिस्टर्ब करने के लिए ये आसाम की सरकार और वहां का बीजेपी ये सारे काम कर रहे हैं। आज बेलगाम में मेसन फैक्ट्री मुलाजिम आशा कारकुनान मजदूरों की जानिब से एहतजाजी जुलूस का एहतमाम किया गया। इनकी मांगे थी कि जो हुकूमत की जानिब से सहूलतें हासिल होनी थी नहीं हो पा रही। मजदूरों मुलाजमीन को 8 घंटे की बजाय 12 घंटे का काम लिया जा रहा है और जो भी मुलाजमीन सरकारी मौकमा में टेम्पररी हैं और 2017 से पहले से वो मुलाजमत कर रहे तो इन्हें मुस्तकिल किया जाए, यानी कि इन्हें कायम किया जाए, इसे मांग भी की गई। लिहाजा बड़े पैमाने पर एहतजाज किया गया। बेलगाम बीम्स में मरीजों के पास रुपए लूटने का काम कुछ मुलाजमीन कर रहे हैं, ऐसी शिकायत बारह सुने में मिलती है। लिहाजा आज डीसी बेलगाम नितेश पाटिल और जिले सेक्रेटरी अंजुम परवेज की जानिब से अचानक बीम्स का जायजा लेकर गलत कामों को अंजाम देने वालों पर कार्रवाई की जाएगी, ऐसा इशारा दिया गया। जिले सेक्रेटरी अंजुम परवेज और डीसी नितेश पाटिल ने आज सरकारी अस्पताल का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि वजीर आला के कहने पर ही जायजा लिया जा रहा है। रिश्वतखोरी के साथ अस्पताल के मुलाजमीन भी गैर हाजिर रहने की शिकायत होने की भी बात इस वक्त कही गई। ये देखिए।
usually 4-5 days. 4-5 ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಪೇಷಂಟ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ಇಲ್ವಾ ಆಮೇಲೆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಹೇಗಿದೆ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಅವರೇ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ मारुति गली में दो दुकानों को आग लगने से लाखों का नुकसान हुआ। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की बात कही जा रही। हिदायत शेख और नजीर अहमद दोनों दुकान मालिकों ने बताया कि 6 महीने पहले भी इसी तरह आग लगने से तकरीबन 25 लाख रुपए का नुकसान हुआ था। अब फिर दोनों दुकानों का तकरीबन 50 लाख का नुकसान बताया जा रहा है। हुकूमत से उन्होंने इल्तिजा की है कि किसी तरह से इमदाद करके इनकी जिंदगी को फिर से पटरी पर लाने के लिए मदद की जाए। मामला दर्ज किया गया। भाई हमारा दुबई चले अभी 9 बजे 9:30 बजे ये मिला को 2वीं बार दुकान जलास हुई है। इसमें हम लोग गवर्नमेंट से कहते हैं मदद दिलाना दो। इधर 25 लाख का और इधर 25 लाख का दो शॉप है। नाम दुकान का? दुकान का नाम ब्लैक ब्यूटी एक ब्यूटी सेंटर ले। अभी दो दुकानें हैं। अभी ये तो ब्यूटी सेंटर है और उधर वाला ब्लैक ब्यूटी है। अभी 2 बार हादसा हुआ है। इसे क्या है, गवर्नमेंट से कुछ परिहार चाहिए हमारे को। अगर ये नहीं रहे तो हमारा जीना मुश्किल हो जाता है। बस आपकी मदद से हम कुछ आगे ज़िंदगी बसर कर सकते हैं। नहीं तो और कुछ नहीं, हमारी ज़िंदगी फिर वही रास्ते पे आने वाली ज़िंदगी हो गई हमारी। एक साल में 2 बार हादसे बोले तो बहुत मुश्किल होती ज़िंदगी जीना। देखो आपकी मदद से कुछ हुआ तो मदद करो हमारे से। अनगोल में लुका छिपी खेलते वक्त 2 बच्चे कुएं में गिर गए जिसमें एक की मौत हो गई। मरने वाले बच्चे का नाम अरब किरण शार बिदरे कुबेर गली अनगोल है जिसकी उम्र महज 11 साल है। प्राण प्रतिष्ठा के वक्त बच्चे खेलने में मसरूफ हो गए, उस वक्त ये हादसा पेश आया। सुहास सुतार जो दूसरा बच्चा है वो जख्मी हुआ जिसे बचाया गया। खेलते वक्त पांव फिसलने से कुएं में गिर गए, ऐसी इत्तला हासिल हुई। अब 10वीं इम्तिहानात पर सीसीटीवी के जरिए रखी जाएगी नजर। अब तमाम स्कूलों में SSLC इम्तिहानात के कमरों में CCTV बिठाए जाएंगे और CCTV के जरिए ही नजर रखी जाएगी, ऐसी इत्तला तालीमी महकमा की जानिब से दी गई। बेलगाम और चिकुड़े में CCTV बिठाने का काम जारी है, ऐसा भी बताया गया। 26 जनवरी यौम जमहूरियत मनाया जा रहा है, लेकिन कुछ जगहों पर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की तस्वीर न लगाने की वारदातें भी पेश आ रही थी। इस पर कईयों ने एतराज भी किया था, लेकिन हुकूमत कर्नाटक की जानिब से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की तस्वीर लगाना लाजिम करार दिया गया है। हजरत खताल शाह रहमतुल्लाह अलैह का उर्स इस साल भी मनाया जा रहा है। 26 जनवरी को कसेगली मस्जिद इहाते से निकलकर जुलूस खताल शाह दरगाह पहुंचेगा, ऐसा दरगाह कमेटी की जानिब से बताया गया। आलामीन प्रोग्रेसिव एजुकेशन सोसाइटी और जैन इंग्लिश मीडियम स्कूल का सालाना इजलास शानदार तरीके से मनाया गया। बतौर एजाज़ी मेहमान खालिद हुसैन रूमी, मेहमान खुसूसी मोहतरमा मनीषा कदम, डॉक्टर जमादार और दिगर मेहमानान में गुलजार कित्तूर, मोहतरमा आरजी नागरकट्टी रहे। जैन स्कूल का इजलास पैराडाइज हॉल में मुनक्कद किया गया था। अब कुछ दिगर खबरें। दिल्ली की जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी में जस्टिस फॉर बाबरी मस्जिद और बायकॉट बाबरी मस्जिद, इस तरह नारे लगाते हुए 2 गिरोह आपस में टकराए, जिसके बाद यूनिवर्सिटी में तनाव का माहौल देखने को मिला। 2 गिरोह में हाथापाई की भी खबर हासिल हुई है। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के दौरान जस्टिस फॉर बाबरी मस्जिद के नारे 1 गिरोह देने लगा तो दूसरा गिरोह भी पहुंचा, तो जिसकी वजह से तनाव बरपा हुआ, ऐसा बताया जा रहा है। बांग्लादेश के 5 लोगों के पास गोवा पासपोर्ट दफ्तर से भारत का पासपोर्ट हासिल करने की वारदात पेश आई, लिहाजा इन 5 लोगों को पुणे में गिरफ्तार किया गया। 5ों के नाम रॉकी, जयधन, अंकुर, रतुल और राणा नंदन बताया जा रहा है। 5ों बांग्लादेश से होने की बात सामने आई है। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। देखते रहे इत्तेहाद न्यूज़। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।